And next we have, a steel scale is to be prepared such that the millimeter intervals are to be accurate within 5×10⁻⁴ millimeter at a certain temperature. Determine the maximum permissible temperature variation during the ruling of the millimeter marks if alpha of steel is 13.22×10⁻⁶ per degree Celsius. क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्टील स्केल है जिसमें हमें एक मिलीमीटर की इंटरवल में मैक्सिमम इतनी वेरिएशन देनी है, यानी कि मैक्सिमम वेरिएशन कितनी देनी है, 5×10⁻⁴ मिलीमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें अल्फा ऑफ स्टील दे रखा है, इस बार वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़ी डिफरेंट दी है, जो दी है हम उसे ही कंसिडर करेंगे पर डिग्री सेल्सियस। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर वेरिएशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है ताकि हम डेल्टा एल को गिवन रेंज से बाहर ना जाने दें। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। हमें डेल्टा एल का फॉर्मूला याद है, एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। हमें क्या चाहिए, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू अल्फा। चेंज इन लेंथ कितनी परमिसिबल है, 5×10⁻⁴ मिलीमीटर। मिलीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ये एल भी मिलीमीटर में दे रखी है और डेल्टा एल भी मिलीमीटर में दे रखी है। तो एल कितनी थी, 1×α 13.22×10⁻⁶। ये कैंसिल आउट होकर 10⁻⁪ ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 500/13.22। And on calculation, you will get it 37.83 degree Celsius, which is maximum permissible change in temperature. That's all. मैंने थोड़ा सा लगता है जल्दी से कर दिया, अगर किसी ने नोट ना किया हो तो नोट कर ले। चलें आगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ 1 लीटर ग्लास फ्लास्क कंटेन्स सम मर्करी। इट इज फाउंड दैट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड फ्लास्क रिमेन्स सेम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मर्करी इन दिस फ्लास्क इफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास इज गिवन and while volume expansion of mercury is also given। question ये है कि हमारे पास एक flask है जिसमें कुछ है, ये flask है जिसमें कुछ mercury भर रखी है, ठीक है। और इसके ऊपर वाली जगह में क्या आएगा, यहाँ पर इस जगह पे हमारे पास क्या होगी, air। question के हिसाब से जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने से जो एयर है उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो बेसिकली वो क्या रहा है, बोलो भाई। बेसिकली यहाँ पे फ्लास्क भी एक्सपेंड कर रही है और मर्करी भी एक्सपेंड कर रही है, बट दोनों इस हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं सच दैट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मर्करी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मर्करी इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। ये चीज़ ध्यान से समझनी है बेटा। जो मर्करी है इतने हिस्से में एक्सपेंड करेगी यहाँ से, ठीक है, मर्करी इतने हिस्से में भरी हुई है, बट फ्लास्क जो है वो यहाँ तो एक्सपेंड करेगी ही करेगी, साथ में यहाँ पर भी एक्सपेंड करेगी, पर इस जगह पे एयर नहीं आ रही। क्वेश्चन के हिसाब से एयर का वॉल्यूम उतना ही रहता है, यानी कि इस जगह पे भी क्या ऑक्यूपाई हो जाती है, मर्करी आ जाती है। ऑफ कोर्स ये ऐसे हवा में नहीं रहेगी, नीचे ही आ जाएगी, हमें तो सिर्फ वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है। ये साइड में तो मैंने शेड सिर्फ समझाने के लिए कर दिया। तो ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मर्करी, ये क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ मर्करी इंटू गामा ऑफ मर्करी इंटू राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इंटू गामा ऑफ फ्लास्क इंटू
राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें जो फ्लास्क का वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क इज गिवन 1 लीटर, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट्स है वो लीटर है, इसे ध्यान रखना है। गामा ऑफ फ्लास्क, फ्लास्क के लिए गामा कितना दे रखा है, ये रहा 9 × 10⁻³ - 6 × 3। प्लीज मेक इट श्योर, एक्चुअली कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया था, यानी कि अल्फा दिया था। मुझे क्वेश्चन में चाहिए गामा, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3, तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अल्फा। तो मैंने यहाँ पर इस अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ मरकरी हमारे लिए अननोन है, और गामा ऑफ मरकरी, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी दे रखा है 1.8 × 10⁻⁴। तो वॉल्यूम ऑफ मरकरी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लिया 27 लिख लूँ, 27 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, ये बन जाएगा 18 × 10⁻⁵। तो ये बन जाएगा 27 / 18 × 10⁻⁹। तो ये मेरे ख्याल से 1.5 आ गया, 0.15 आ जाएगा, 0.15 लीटर, जिसे आप लिख सकते हो 150 cm³ इज द वॉल्यूम ऑफ द मरकरी इन द फ्लास्क हुज वॉल्यूम इज 1 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्लास फ्लास्क हुज वॉल्यूम इज एग्जैक्टली 1000 cm³, यानी कि 1 लीटर एट 0°C इज फिल्ड लेवल फुल ऑफ मरकरी एट दिस टेम्परेचर। When the flask and the mercury are heated 200°C, 15.2 cm³ of the mercury overflows. The coefficient of cubical expansion of mercury is given to us and we have to calculate coefficient of linear expansion of glass. Question ऐसे है कि हमारे पास एक flask है जिसमें mercury भर रखी है up to brim full. अब इस flask को गर्म किया गया, गर्म करने से इसका वॉल्यूम एक्सपेंड किया होगा, फ्लास्क का भी और मरकरी का भी, बट कुछ मरकरी बाहर गिर गई, ठीक है। तो ये मरकरी बाहर गिरी, उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 15.2 cm³। अब कंसेप्ट क्या होना चाहिए, जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ मरकरी है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मरकरी ये किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क प्लस 15.2 cm³। क्लियर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मरकरी कितना आएगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मरकरी इंटू 1 + γ ऑफ मरकरी इंटू δ θ इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास इंटू 1 + γ ऑफ ग्लास इंटू δ θ प्लस 15.2। वॉल्यूम ऑफ मरकरी हमें कितना दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ मरकरी 1000 cm³ प्लस गामा ऑफ मरकरी, क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मरकरी हमें दे रखा है 1.82 × 10⁻⁴ इंटू राइजिंग टेम्परेचर। राइजिंग टेम्परेचर कितना, 0°C से 100°C, यानी कि 100। वॉल्यूम ऑफ ग्लास, पहले क्योंकि मरकरी फुल भरी हुई थी तो ग्लास का वॉल्यूम भी हमें दे रखा था 1000 cm³, 1 + γ ऑफ ग्लास। क्वेश्चन में पूछा गया लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, यानी कि क्वेश्चन में अल्फा पूछा गया है, तो हम इस गामा को अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए लिख देंगे 3 times α ऑफ ग्लास इंटू राइज इन टेम्परेचर विच इज 100°C प्लस 15.2। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर शुद्ध कैलकुलेशंस हैं जो कि आपको खुद करनी पड़ेंगी, तो मैं थोड़ा सा फिर भी कोशिश करता हूँ। 1000 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर था, ये हो गया 18.2 इज इक्वल टू 1000 प्लस 3 × 10⁵ अल्फा जी प्लस 15.2। ये दोनों तरफ से कट जाएगा,
15.2 इधर आ जाएगा, माइनस किया तो 3 बचेगा, यानी कि गामा जी की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 3 इंटू 10 रेस टू पावर 5 विच इज 10 रेस टू पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लीजिए। लिक्विड एक्सपेंशन पे आखिरी न्यूमेरिकल। 850 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बॉटल इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। द बॉटल एंड वाटर आर हीटेड टू 60 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच वाटर रन्स ओवर इफ द एक्सपेंशन ऑफ द बॉटल इज निग्लेक्टेड। अगर फर्स्ट पार्ट करें और कहा गया एक्सपेंशन ऑफ द बॉटल इज निग्लेक्टेड, यानी कि सिर्फ क्या एक्सपेंड हुआ है, वाटर एक्सपेंड हुआ है। तो जितना वाटर एक्सपेंड करेगा, जितना उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, उतना ही जो वाटर है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर के लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू गामा ऑफ वाटर इंटू राइज इन टेम्परेचर। ओके, बॉटल जो थी वो पूरी भरी हुई थी, तो उसका वॉल्यूम कितना दिया था, 250 सेंटीमीटर क्यूब। गामा ऑफ वाटर, गामा ऑफ वाटर हमें ये दे रखा है 60 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 5, 60 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 5 इंटू राइज इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना है 60, इनिशियल कितना था 50, तो राइज इन टेम्परेचर हो गया 60 माइनस 50 विच इज 10, यानी कि ऑन कैलकुलेशन आई मे राइट 25 6 150, एक ये जीरो एक ये जीरो, इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू 10, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये था फर्स्ट पार्ट, जब हमने सिर्फ वाटर की एक्सपेंशन को कंसिडर किया और बॉटल की एक्सपेंशन को निग्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ द बॉटल इज इंक्लूडेड गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ ग्लास इज दिस मच। अब देखिए, ग्लास के लिए हमें बीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। मुझे ग्लास के लिए गामा देखना है। आपको रिलेशन याद होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो यहाँ से गामा कितना आ जाएगा, 3 बाय 2 टाइम्स बीटा, यानी कि 3 बाय 2 टाइम्स बीटा की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। तो मेरे पास गामा आ गया। अब ये जो गामा है ग्लास के लिए वो वाटर से कम है। वाटर के लिए यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 1.8 था, तो डेफिनेटली इस बार भी लिक्विड ओवरफ्लो करेगा क्योंकि ग्लास की एक्सपेंशन कम हो रही है और वाटर की एक्सपेंशन कंपैरिजन में ज़्यादा हो रही है। तो जितना वॉल्यूम ओवरफ्लो करेगा वो कितना होगा, ओवरफ्लो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास जिसमें हमने वाटर को गर्म किया। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फर्स्ट पार्ट से ही उठा लूँगा। 1.5 सेंटीमीटर क्यूब एक्स्ट्रा हुआ था, एक्चुअल पहले कितना था 250, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम 250 प्लस इनक्रीज 1.5, वो मैंने वैसे ही उठा लिया। फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास वो क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ग्लास विच इज 250 इंटू 1 प्लस गामा ऑफ ग्लास। ग्लास के लिए गामा हमारे पास कितना है, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर कितना था, 50 से 60 तक गया था, ये था 10।
ये स्टेप क्लियर है, मैंने बिना फार्मूला लिखा ये सीधा लिख दिया, लिख ही देता हूँ भाई। तो यहाँ पर ये लिखा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ग्लास इंटू वन प्लस गामा ऑफ ग्लास इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से अब हम यहाँ पर डेल्टा वी ओवर फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 150 और ये 150 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या 1.5 माइनस 250 इंटू 1.8 इंटू 10^-4 एंड ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट इट 1.455 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूमेरिकल।